तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और देश की ताकतवर महिला राजनेताओं में शुमार जे जयललिता का चेन्नई के अपोलो अस्पताल में सोमवार रात निधन हो गया। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में अम्मा ने ली आखिरी सांस, अस्पताल ने की पुष्टि। लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को राजाजी हॉल में रखा गया है, जहां बड़ी तादाद में उनके समर्थक अंतिम दर्शन के लिए जुटे रहे। जयललिता का अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे मरीन बीच चेन्नई में होगा। जयललिता के निधन के बाद राजभवन में पनीर सेल्वम ने ली सीएम पद की शपथ। शपथ से पहले रखा गया 2 मिनट का मौन। जयललिता के निधन के बाद समर्थकों में पसरा मातम, फक कर रोती हुई नजर आई महिलाएं। जयललिता के निधन पर तमिलनाडु में 7 दिन का शोक घोषित। स्कूल और कॉलेजेस में भी की गई 3 दिन की छुट्टी। चेन्नई में शहर की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। जयललिता के निधन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख। पीएम बोले, देश की राजनीति को हुई बहुत बड़ी क्षति। जयललिता के निधन पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी जताया दुख। ट्वीट कर गृहमंत्री ने कहा, शोक के इस वक्त में तमिलनाडु के लोगों के साथ है मेरी सांत्वना। जयललिता के निधन पर शोक जताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जयललिता के निधन से सभी को क्षति हुई है। उन्होंने अपना ब्रांड अम्मा राजनीति बनाया था, जो उन्हें गरीबों से जोड़ता था। जयललिता जी के निधन पर सभी लोग को बहुत गहरा शोक हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की राजनीति की उसमें गरीब सर्वप्रथम था, और एक ब्रांड अम्मा पॉलिटिक्स उन्होंने एक तरह से स्थापित किया कि जिसका पूरा चेहरा गरीब के लिए था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जयललिता के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर बोले, राहुल, आज देश ने खो दिया है एक महान नेता। जयललिता को हमेशा किया जाएगा याद। जयललिता के निधन पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, कहा, तमिलनाडु के लिए अम्मा का योगदान अतुलनीय है। सी महिला किस प्रकार से अपने मेहनत के कारण, अपने आदर्शों के कारण इतने ऊपर तक राजनीति में आ सकती है, और तमिलनाडु के लिए जो उन्होंने काम किया है वो अपने आप में अद्भुत था। नेता के निधन पर कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी प्रतिक्रिया। बोले, जयललिता ने बहुत सी चुनौतियों का किया सामना और चुनौतियों पर हमेशा पाई जीत। जाना जाएगा इस देश में जिन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना किया और हमेशा चुनौतियों पर विजय पाई। जयललिता के निधन पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी जताया दुख। त्यागी बोले कि अम्मा के जाने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में अजीब किस्म की आ गई है शून्यता, और उनके ना रहने से तमिलनाडु की राजनीति में अजीब किस्म की शून्यता आ गई है। आने वाला समय बहुत जोखिम भरा होगा अन्ना डीएमके के लिए। जयललिता के निधन पर देश भर में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। बीएसपी सुप्रीमो भी दुखी। मायावती ने जताया शोक। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाबा साहब अंबेडकर के 61वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाबरी विध्वंस की 24वीं बरसी आज। अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में बढ़ाई गई सुरक्षा। 6 दिसंबर को अयोध्या में गिराया गया था विवादित ढांचा। 2000 से ज्यादा लोगों ने गवाई थी जान। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आज बसपा की बड़ी रैली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी संबोधित रैली को। सभी जिलाध्यक्षों कोऑर्डिनेटर्स को भी परिनिर्वाण दिवस मनाने का निर्देश। गाजियाबाद में 357 विधायकों के प्लॉट आवंटन के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने जीडीए से मांगा जवाब। याचिका में पूछा गया सवाल, दिव्यांगों की आवास योजना रद्द कर विधायकों को कैसे मिली जमीन। मेरठ में चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग में 2 छात्र गंभीर रूप से जख्मी। सूचना पर पहुंची पुलिस बल ने मामला कराया शांत। मामूली सी बात पर दोनों गुटों में हुई थी झड़प।